देखा होगा कि किस तरह से लोग झूठे प्रकरणों में दूसरे व्यक्ति को फंसा लेते हैं, लेकिन शायद अपने एक अनोखा मामला नहीं देखा होगा जहां केवल इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर दलित व्यक्ति केस लगाना चाहता है क्योंकि सामान्य व्यक्ति के खेत में लगे पेड़ की पत्तियां दलित व्यक्ति के कुएं में आकर गिर जाती हैं, जिससे उसका पूरा गंदा हो जाता है। सुनने में जितना अटपटा है, वाकई में मामला उतना ही गंभीर है। किस तरह से लोग एट्रोसिटी एक्ट का गलत फायदा उठाते हैं, सूत्रों के अनुसार इस एक्ट को तकरीबन 96% लोग गलत उपयोग करते हैं। वहीं जिन लोगों के लिए यह एक्ट बना है वह तो इसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। अब बताते हैं आपको पूरा मामला। अवन निवासी सोनू लोधा के खेत में पेड़ पर कुछ पेड़ लगे हैं, बगल में ही बाबूलाल जाटव का खेत है। बाबूलाल जाटव के अनुसार सोनू लोधा के खेत में लगे पेड़ों से उसका कुआ गंदा हो जाता है, इस वजह से वह लगातार सोनू लोधा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की कार्रवाई में जुट गया। विवाद से बचने के लिए सोनू लोधा ने अपने खेत की मेड़ पर लगे पेड़ों को काटने के लिए तहसीलदार को एक आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार ने सख्त मना कर दिया कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी बाबूलाल जाटव सोनू लोधा के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने के लिए लगातार आज तक थाने पहुंच रहा है। लेकिन वहां के थानेदार ने साफ मना कर दिया है कि इस मामले में कोई एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध नहीं होगा। देखने लायक होगा ये मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बाबूलाल जाटव है, उसने मेरे खेत में पेड़ लगे, दो पेड़ लगे, एक चेले का था और एक खेरो रेंजर का था, उसको काट दिया। कहने जाते हैं तो हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं यार ठीक है मैं आया था तो आज मजे का तो आप पेड़ कटे हुए थे, उन्होंने जानकारी मिलाई तो एक बर्रे का माप जैसे को वैद्य को ढूंढ रहा था, उन्होंने कहा यार तेरे पेड़ तो उसने काटे हैं। उन्होंने उनके घर का कहना है तो वे कहते हैं हरिजन एक्ट लगवा दो, मैंने यहाँ से पकड़नी पड़ेगी तुझे, एक बार भी झूठे हरिजन एक्ट लगा सकते हैं। जब हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं तब किसी से विवाद होता है, नाम मेरा लिखवा देते हैं। ऐसी क्या कुछ आपकी रंजित है क्या? कोई रंजित नहीं है सर। तो आपने कहाँ शिकायत करी आज? एसपी के यहाँ शिकायत